उसके बाद आप थर्ड वीक की बात करें दुर्गा पूजा में, आप लगातार आप पोस्टर कल निशान भैया ने जारी कर दिया कि भैया दुर्गा पूजा में खिसाड़ी ला जाओ काजल रातवाली। नहीं नहीं देखिए, दुर्गा पूजा में तो पहले से मेरी लिट्टी चोखा का अनाउंस हुआ है, लिट्टी चोखा की जो कि बहुत बड़ी खूबसूरत फिल्म है, और ये जो निशान जी प्यार किया तो निभाना ये हम लोगों ने लंदन में किया था सिनेमा, और चोरी चोरी चुपके चुपके भी मैंने लंदन में ही की थी। तो अब सबको अपना बिजनेस करना है। देखिए मैं एक तो आर्टिस्ट हूँ, मैं टाइम से काम कर देता हूँ इसीलिए हमारी फिल्में लड़ जाती है, बाकी तो रीजन ही है। मैं भी टाइम से काम करना बंद कर दूँ तो मुझे लगता है कि मेरी भी फिल्में ना लड़े। तो मैं टाइम से अगर किसी का काम कर दूंगा तो क्या करेगा, घर में तो रखेगा नहीं, वो तो रिलीज करेगा। तो ये टाइम से काम करने का नतीजा है कि लोगों की फिल्में रेडी हो जाती है और वो लड़ जाती है। और कुछ वीक होता है, जैसे दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, दुर्गा आपके हमारा होली हो गया, सरस्वती पूजा होगा, विश्वकर्मा पूजा होगा, 15 अगस्त होगा, ईद होगा, यही सब सिनेमा रिलीज होगी। और लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या कि 2 साल तक हॉल बंद रही, तो सारी सिनेमा रेडी तो थी बट रिलीज करने के लिए हॉल नहीं खुले थे। बाढ़ आ गई, समस्या आ गया, लॉकडाउन हो गया, बंधने आ गई, प्रॉब्लम बहुत सारी हुई। तो बहुत सारी सिनेमा बन के रेडी थी लेकिन उसको हॉल नहीं खुले और ना ही रिलीज हुई। तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट है अभी। इसके बाद मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा और छठ के बाद मुझे लगता है कि सारी सिनेमाएँ लिमिट और सीमित में ही आएगी, और सबका अपना एक टाइम होगा और सबका अपना वक्त होगा और वो रिलीज होगी। लास्ट सवाल, पांच-पांच गाने YouTube पर एक साथ ट्रेंड करता है, भोजपुरी का इतिहास आपने चेंज कर दिया, तेरे मेरे दरमियान पहली बार ऐसा लगा कि खिसाड़ी जो जो जोन है वो हट के बहुत ही इंटरनेशनल जोन में आ गए, क्या कहना चाहेंगे तेरे मेरे? मैं क्या बोलूँ आपको, देखिए पांच-पांच गाने ट्रेंडिंग में आना ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मेरे गाने नहीं है वो भोजपुरी समाज के, क्योंकि मैं खेसारी लाल यादव सिर्फ मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं पूरे भोजपुरी समाज का बेटा हूँ। जितने लोग मुझे मोहब्बत देते हैं सब उस सब परिवार का बेटा हूँ मैं, और ये उनकी मोहब्बत ही है जो मुझे हर गाने को ट्रेंडिंग में लाना, खेसारी को प्यार करना। क्योंकि खेसारी देखिए, जब तक आप बच्चे बन के रहोगे दुनिया के गोद में रहोगे, नहीं तो जवान होने के बाद तो बाप भी अपने बेटे को गोद से उतार देता है। तो जीवन में यही, और संघर्ष ऐसी चीज़ है कि इस जीवन में आने के बाद मनुष्य के जीवन में आकर भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा था अपने आप को भगवान बोलने के लिए, कहने के लिए। उन्होंने भी जंगल गए, उन्होंने स्ट्रगल किया, अपनी छवि को बताया कि मैं कैसा हूँ, अनाथों को सहारा दिया, असहाराओं को सहारा दिया, जिनके पास कोई क्षमता नहीं थी उनको पावर दी, ताकत दिया लड़ने की, एक रास्ता दी, तो भगवान बन के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला गए। तो आप इंसान के रूप में हो, आपको भी भगवान बनने का अवसर होता है, बशर्ते आप उस विचारधारा के साथ अपने जीवन को चलाओ। अगर नहीं चलाओगे तो ट्रेंडिंग में गए आप कहीं नहीं रहोगे। ट्रेंडिंग में ऐसे थोड़ी कुछ आता है, वो तो लोगों की प्यार है और आपकी ऊर्जा है, आप उस बारे में सोचते हो, इतने खूबसूरत आप गाना देते हो, हमारा राइटर, हमारा म्यूजिक डायरेक्टर, हमारा लिरिक्स राइटर से लेकर हमारे टीम के लोग सबका एक ऊर्जा लगता है, उस कंपनी का भी ऊर्जा लगता है, उस जनता का भी ऊर्जा लगता है, तब खेसारी ऊपर रहता है। खेसारी के मेहनत से अकेला खेसारी ऊपर नहीं हो सकता, ये जनता की मोहब्बत ही है कि पांच गाने एक साथ ट्रेंडिंग में। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में पहली बार ही हुआ है ये, इतिहास में पहली बार कि एक भोजपुरी कलाकार का और ट्रेंडिंग में पांच गाने एक साथ हो, जबकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ये तो लोगों का प्यार ही है। मैं क्या बोला कि मेरे इतने सारे नाम दे दिए गए, मेरे ओरिजिनल नाम से आज तक कोई नहीं जानता, तो वो तो लोगों का प्यार ही है ना। जैसे मेरे नाम को दुनिया भूल गई, उन्होंने एक नाम दिया और उस नाम को इतना बड़ा कर दिया कि शायद आज उस नाम के साथ साथ एक नाम से खुश नहीं है, वो सिर्फ खेसारी के नाम से खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि कम से कम हजारों नाम इस बच्चे का हम रख दें और इसके उपलब्धियों का वो नाम है, वो जो भी ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, रिकॉर्ड मशीन, चाहे सरकार कहिए, चाहे दबंग स्टार, चाहे दबंग सरकार, दुनिया की जो भी नाम मुझे मिलते हैं। देखिए रजनीकांत साहब मेरे आदर्श हैं और मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, वो भगवान स्वरूपी हैं, बसंत साहब, रजनीकांत साहब, ये लोग, इन लोगों के चरण का धूल तक नहीं हूँ मैं, बसरते लोगों का प्यार है जो उस जगह पे, देखिए वो पब्लिक का प्यार है, वो मुझे कहाँ खड़ा कर देगी, मैं उसके भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकता। मैं क्या हूँ ये मुझे पता है, हमारे पब्लिक के दिल में मैं रजनीकांत हूँ कि बसंत साहब हूँ, ये उनका विचारधारा है। मेरा विचारधारा है कि मैं रजनीकांत साहब का एक बेटा की तरह हूँ, मैं बच्चन साहब का एक बेटा हूँ, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जनता मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती है ये मुझे, ये तो उनका मोहब्बत है, देखिए उनको मैं नहीं रोक सकता, ये उनके विचारधारा और उनके मोहब्बत को मैं नहीं रोक सकता, वो मुझे प्यार करते हैं। और हर आदमी अपने बेटा को
ऊपर देखना चाहता है, हर आदमी अपने बेटा को बड़े पोजीशन पे देखना चाहता है। मैं भोजपुरी समाज का बेटा हूँ और मुझे लोग मोहब्बत से अपने जुबान से ऊपर करते हैं, इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं, ये उनका मोहब्बत है।